और चलिए अब बात कर लेते हैं मोदी सरकार के 4 साल पूरे होने की। इस उपलक्ष्य में सरकार कई कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। सरकार कैसे अपनी उपलब्धियां जनता के सामने रखने जा रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। सरकार के 4 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने देश की जनता का धन्यवाद किया। पीएम मोदी ने ट्विटर पर एक वीडियो भी शेयर किया है। अपने संदेश में पीएम ने कहा है, 2014 में आज ही के दिन हमने भारत के परिवर्तन की दिशा में काम करने की हमारी यात्रा शुरू की। पिछले 4 वर्षों में विकास एक जीवंत जन आंदोलन बन गया है, जिसमें प्रत्येक नागरिक भावना भारत की विकास यात्रा में शामिल है। 125 करोड़ भारतीय भारत को महान ऊंचाई पर ले जा रहे हैं। हमारी सरकार में अटूट विश्वास रखने के लिए मैं अपने साथी नागरिकों को नमन करता हूँ। ये समर्थन और स्नेह पूरी सरकार के लिए प्रेरणा और ताकत का सबसे बड़ा स्रोत है। हम उसी शक्ति और समर्पण के साथ भारत के लोगों की सेवा करना जारी रखेंगे। 2019 लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती भी शुरू हो चुकी है और आज यानी 26 मई को नरेंद्र मोदी सरकार ने 4 साल पूरे कर लिए हैं। ऐसे में इस मौके पर मोदी सरकार ने जनता तक अपनी उपलब्धियां पहुंचाने के लिए बेहद खास प्लान बनाया है। मोदी सरकार के 10 कद्दावर मंत्री 26 मई से 30 मई तक देश के 40 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे। इन शहरों में सभी प्रदेश की राजधानियां भी शामिल है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, रेल मंत्री पीयूष गोयल, नरेंद्र सिंह तोमर, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद सहित 10 बड़े मंत्री देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज दिल्ली में 28 मई शाम 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। देश के इतिहास में पहली बार 4 वर्षों के कालावधि में जहां प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश में काम चल रहा है, तो ये ताकत है सरकार में। 4 साल पूरे होने पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने मीडिया के सामने मोदी सरकार के कामों का ब्यौरा रखा और सरकार की तरफ से चल रही कई योजनाओं के फायदे भी गिनाए। बीजेपी ने 2014 के अपने नारे अब की बार मोदी सरकार के तर्ज पर नया नारा 2019 में फिर मोदी सरकार दिया। 4 साल पूरे होने पर सरकार साफ नियत सही विकास का नया नारा भी देगी।